हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। यहाँ पर हम क्लास 10th की यहाँ पर साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी पूरी साइंस हम कंप्लीट करवा देंगे। तो यहाँ पर हम पहला पार्ट लेकर आ गए हैं आपके लिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण क्या होते हैं, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं और समीकरण ये पहले आते हैं। तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इक्वेशन जो है समीकरण को बोला जाता है और केमिकल रिएक्शन जो बोला जाता है वो रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले चलिए रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं क्या होता है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब एक यहाँ पढ़ लेंगे फिर आपको समझा देंगे। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी क्या है, कोई भी दो पदार्थ हों, एक पदार्थ यहाँ पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको दो लिख देना है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों जैसे दो पदार्थ मतलब कुछ भी हो गया, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये बुक है और ये पेन है, अगर हम इनको मिला देंगे तो ऐसा कौन सा तत्व बन जाएगा, बस यही है दोस्तों। यानी कोई भी दो तत्वों को मिला दें, अगर हम मान लीजिए मैग्नीशियम को मिला दें, सोडियम को मिला दें, तो उसमें से आगे बनने वाला कौन सा तत्व होगा। यानी अगर हम कार्बन को मिला दें, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दें, मेथेन को मिला दें, तो उसके आगे कौन सा तत्व बनेगा, तो वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। यानी आप देखते होंगे क्या है, धीरे धीरे जो यहाँ पर लोहा होता है अगर वो वायु या पानी के संपर्क में होता है तो उसमें जंग पकड़ लेता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो क्या है ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन से या तो जल से, यानी ज़्यादातर लोग अगर ऑक्साइड बनाते हैं तो ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करते हैं, तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है जिसके कारण क्या है वो फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, यानी उसके में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप ये रासायनिक अभिक्रिया आसानी से समझ सकते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आयनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आयनिक अभिक्रिया है दोस्तों, यहाँ पर जब अभिकारकों, अभिकारक आप जानते होंगे बाएं साइड लिखे जाते हैं वो अभिकारक होते हैं, तो यहाँ पर जब अभिकारकों एवं क्रिया फलों के, यानी जो क्रिया करने वाले कारक होते हैं क्रिया फलों के मध्य आयनिक बंध टूटकर, जो आयनिक बंध होता है आप जान सकते हैं आयनिक बंध टूटकर नए आयनिक बंध बनाते हैं तो वह आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आयनिक अभिक्रिया हो गई। अब देखिए आयनिक अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, संयोजन, वियोजन और विस्थापन। यानी अभिक्रियाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप में इम्पॉर्टेंट यही है, यानी आपके चैप्टर में यही आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों संयोजन अभिक्रिया की। तो यहाँ पर दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सूत्र बनाना नहीं जानते, यानी मेरे तरह नाम बोलना नहीं जानते कि किसको क्या बोलेंगे, तो आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बहुत सरल बना दूंगा और आप आसानी से डिफाइंड कर पाएंगे कि हम इसको कौन सा नाम दें या कब क्या बोलें, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए मैग्नीशियम मिल गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ओ से जो मिला रहेगा, बहुत सिंपल होता है। तो आप कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा वीडियो, यहाँ पर अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो ही, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की हम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो संयोजन अभिक्रिया आप समझ गए होंगे, यानी अब मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। मान लीजिए ये पेन हो गया, मैं एकदम सिंपल उदाहरण ले रहा हूँ, अब मेरा ये हाथ हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई तत्व ये है, एक तत्व ये है, अब दोस्तों इनको जब हम आपस में मिला देंगे, मान लीजिए हाथ एक दूसरा तत्व, मान लीजिए इसको पीस लिए, इसको पीस लिए, अब इन दोनों को मान लीजिए इसमें मिला देते हैं, घुल जाते हैं ये आपस में, क्रिया कर लेते हैं और किसी नए पदार्थ का निर्माण तो कर ही लेंगे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। मान लीजिए जैसे यहां पर क्या होता है, अब संयोजन अभिक्रिया इस प्रकार भी है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके यहां पर H2 यानी जल बनाता है, तो वो भी संयोजन अभिक्रिया हो गई। यानी बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, इस तरह दोस्तों यानी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं यही संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया की ओर। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया देखिए, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ यानी एक पदार्थ जो होता है, मान लीजिए ये पेन है, ये मान लीजिए ये आपस यहाँ पर इसको हम ऊष्मा दे देंगे या गर्म कर देंगे या कुछ भी थोड़ा रख देंगे, यहाँ पर अगर हम कोई भी यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वियोजित हो जाएगा यानी आपस में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ
का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जब ऊष्मा देते हैं ज़्यादातर तत्वों में तभी ये वियोजित होते हैं। किसी भी चीज़ में आप देखते होंगे जब ऊष्मा देते हैं तो उसके अणु ढीले हो जाते हैं और वो एक दूसरे के दूर दूर भागने लगते हैं। जैसे कि अगर गैस को यहाँ पर अगर आप गर्म करते हैं तो गैस क्या है बिखर जाती है। यहाँ पर अगर आप गुब्बारे गर्म करते हैं तो वो फूट जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप लोहे को गर्म करते हैं, एल्युमिनियम गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे वो यहाँ पर द्रव का रूप धारण कर लेते हैं, पानी की तरह बहने लगते हैं अगर ज़्यादा गर्म कर दिया जाए। तो यही दोस्तों वियोजन अभिक्रिया आप कह सकते हैं, यानी दो तत्व यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यहाँ पर ये दोनों वियोजित हो जाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, तो यहाँ पर ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी जस्ट यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, यहाँ पर लिखा भी गया है नोट, यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर इसको गर्म किया गया जब, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है, तो ये क्या हो गया वियोजन अभिक्रिया। देख सकते हैं उल्टा है पूरा, ये वाला जो इधर था अभिकारक था अब ये उत्पाद था, अब यहाँ पर ये अभिकारक हो गया ये उत्पाद हो गया। तो यही दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट में क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको जब ऊष्मा दी जाएगी तो आप कह सकते हैं इस तरह। ठीक है, यानी आपको क्या उदाहरण याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से अपने से बना पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया क्या है यहाँ पर ये हम बात कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब आपको यहाँ पर बात चल रही है विस्थापित करना, विस्थापित का मतलब भगा देना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है, भगा देना यानी कोई तत्व जबर, यानी कोई मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है दूसरा व्यक्ति कमजोर है, तो क्या है जो ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो कमजोर व्यक्ति को वहाँ से भगा देता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शक्तिशाली तत्व होता है जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब क्या है शक्तिशाली तत्व कहलाते हैं। यानी क्या है जल में अगर इनको डाल दिया जाए तो आप देखते होंगे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, आग पकड़ लेती है सोडियम को अगर डाल दें, यानी विस्फोटक बन जाता है। तो आप कह सकते हैं ये क्या है यहाँ पर ये शक्तिशाली तत्व हैं। तो ये जो कमजोर तत्व हैं जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोना हो गया, मान लीजिए जो तांबा हो गया, पीतल हो गया, कोई भी तत्व जो हैं ये क्या करेंगे ये क्या है कमज़ोर हैं, तो ये सोडियम और पोटेशियम कैल्शियम ये सब क्या करेंगे इनको भगा देंगे। तो यहाँ पर यही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बस इस तरह आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर दिया गया है कैल्शियम प्लस जिंक कार्बोनेट, तो दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम जो है जिंक को विस्थापित कर देगा क्योंकि कैल्शियम जो है वो जिंक से अधिक शक्तिशाली है। अगर आप जिंक को पानी में डालते होंगे तो देखते होंगे थोड़ा बहुत क्रिया होगी यानी अभिक्रिया करेगा या ना के समान करेगा, लेकिन यहीं पर अगर आप कैल्शियम को डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को डाल देते हैं या कैल्शियम को, तो आप देखेंगे कैल्शियम जो है जल से अभिक्रिया कर लेगा और वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। आप देखते होंगे जब चूना बुझाते हैं कोयलों का, आप देखना कभी जब चूना बुझता है यानी चूना बुझाया जाता है एक प्रकार से, आप यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो बुझे हुए चूना प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें आप देखेंगे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है यानी उसमें गर्म पड़ जाता है जिस पात्र में उसको रखा जाता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है प्लस जिंक कार्बोनेट से अभिक्रिया किया तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्थान कैल्शियम ले लिया और जिंक को यहां पर भगा दिया। इसी तरह आप कह सकते हैं यहां पर ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है, बहुत से तत्व होते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेना कैल्शियम, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया प्लस जिंक हो गया यानी इसको भगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। दोस्तों यहां पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यहां पर देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, बस यही कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बस दोस्तों आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या है ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण, यहां पर सोडियम प्लस H2O यानी जब सोडियम को हम यहाँ पर जल से क्रिया कराते हैं या पोटेशियम को आप ले सकते हैं, दोनों एक समान क्रिया करते हैं क्योंकि एक ही ग्रुप के तत्व होते हैं। आप ग्रुप वाइज याद करना, ठीक है, कभी आप इस प्रकार मत याद करना कि 1 से 30 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन, इस प्रकार नहीं याद करना, आप ग्रुप वाइज याद करना। ठीक है, ग्रुप वाइज याद करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सोडियम जब यहाँ पर जल से अभिक्रिया किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन बच गया। ठीक है, यहाँ पर डाइहाइड्रोजन मान लीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है और प्लस ऊष्मा भी दोस्तों यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। क्या है, जल गर्म हो जाता है। यहाँ पर एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण ये भी हो सकता है जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को प्लस H2O करते हैं यानी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, CaOH का ट्वाइज बना लेता है और प्लस यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर वो भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको उदाहरण रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण ऐसे
मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यही हो गया, आप देखिए यहाँ पर CH4+2O2 यानी ये टू जो है वो यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो CH4 से जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस जल बनता है और प्लस 890 किलो जूल ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं कि 890 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, आप बस प्लस ऊष्मा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, इसी के विपरीत ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी यानी जिसमें ऊष्मा ली जाती है, यानी उस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है आप कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, वे अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वे उस आप कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएँ जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यानी जब सोडियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया जब तक नहीं करेंगे जब तक इनको गर्म नहीं किया जाएगा या इसमें कुछ ऊष्मा या शक्ति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 180.5 किलो जूल जब ऊष्मा दी जाती है तभी ये 2NO बनाता है, यानी यहाँ पर सोडियम नहीं था, नाइट्रोजन था, तो 2NO बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, इस प्रकार आप कह सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडाइड की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। आयोडीन जब अभिक्रिया करता है यहाँ पर आयोडीन का यहाँ पर अप्रतीक को याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन और आयोडीन जब अभिक्रिया करता है यहाँ पर 53.9 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है और टू यहाँ पर ये संतुलित करने के लिए लगाया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर आयोडीन 2 है, तो यहाँ पर इसलिए 2 लगाया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया आखिर क्या होती है, तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का, यानी जो परमाणु के समूह होते हैं उसको आयन कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु हो सकते हैं, परमाणु का जो तत्व होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, तो आप तत्व को ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों बहुत ही सिंपल द्विविस्थापन अभिक्रिया, आदान प्रदान हो जाएगा, यानी क्या है, चलिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक कार्बोनेट यहाँ पर है, तो यहाँ पर दोस्तों बस सिंपल है, अदला बदली हो जाएगी, ये वाला तत्व यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला तत्व यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम है, अब देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट था लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया कराई गई तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, अब यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट, देख सकते हैं आप ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन गया, यानी अदला बदली हो गई दोनों की, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों की अदला बदली यहाँ पर हो गई। बस दोस्तों यही है, अब इसी तरह ये उदाहरण समझ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जिंक सल्फेट, तो यहाँ पर कैल्शियम जो है जिंक की स्थान ले लेगा, अब यहाँ पर जिंक जो है वो कैल्शियम के स्थान ले लेगा, यानी क्या है कैल्शियम सल्फेट प्लस जिंक कार्बोनेट बन गया। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर मतलब प्लस टू या माइनस टू होते हैं, जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उसका ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए एक होता तो उसी तरह अभिक्रिया करता और फिर संतुलित करने के लिए यहाँ पर इसको लगाया जाता, ठीक है, जैसे यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं टू, इसी तरह संतुलित किया जाता। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आगे यहाँ पर विद्युत या आयनिक वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों विद्युत या आयनिक वियोजन अभिक्रिया देख सकते हैं, विद्युत यहाँ पर पता ही चल रहा है, आयनिक वियोजन अभिक्रिया, आयन जब टूटते हैं तो आयनिक वियोजन हो जाता है। देखिए कुछ यौगिक जल में घोलने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, यौगिक मतलब जल आप कह सकते हैं यौगिक आप, ठीक है, तो कुछ यौगिक समझिए बस, कुछ यौगिक जूल कुछ यौगिक जल में घोलने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने धन एवं ऋण आयनों में टूट जाते हैं तो उसे विद्युत आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, विद्युत या आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है यहाँ पर, जब इसको दोस्तों विद्युत धारा या जल में घोला जाता है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाते हैं, यानी आयनिक पदार्थ बना लेते हैं। तो यही जो दोस्तों विद्युत आयनिक यहाँ पर विद्युत आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बस दोस्तों इसी तरह आप याद कर लीजिए, बस इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं यानी आप कह सकते हैं तभी सूत्र आप बना पाएंगे, तो आप उसको याद कर लीजिए, यानी संयोजन आप कह सकते हैं, संयोजकता आप कह सकते हैं, ठीक है, संयोजकता जो होती है इनकी, तो आप बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो जो यहाँ पर बंध बनाते हैं वही, क्योंकि एक बॉन्ड के कारण ही जुड़ा होता है, लेकिन हाई लेवल पर चला जाता है जब आप 11th-12th पर जाएंगे तब पढ़ पाएंगे इसको। बस दोस्तों इसी तरह आप इसको कर लीजिए, आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझा दिया, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कर लीजिए याद और अपना नोटबुक में लिख भी लीजिए।
बस दोस्तों मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।